हिमाचल सरकार के एक के बाद एक विवादित फैसलों ने उसकी फजीहत कर रखी है। एमबीबीएस दाखिले मामले में कोर्ट से फटकार के बाद पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस वाली ने सरकार को निशाने पर ले लिया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश से बाहर निजी व्यवसाय चलाने वाले अभिभावकों के बच्चों को एमबीबीएस कक्षाओं में दाखिले के लिए प्रदेश सरकार द्वारा छूट न देना असंवैधानिक बताया है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री जीएस वाली ने कहा कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो उसका सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश से बाहर नौकरी करने वाले अभिभावकों के बच्चों को एमबीबीएस में दाखिला न देना असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी कि हिमाचल से बाहर गए लोगों के बच्चों को एमबीबीएस कोटे में दाखिला नहीं दिया जाएगा। सरकार की इस दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं जीएस वाली ने कहा कि सरकार को इस मामले में श्वेत पत्र जारी कर देना चाहिए ताकि पता चल सके कि इस फैसले के तहत किन लोगों ने फायदा लिया। सरकार के बिना सोचे समझे लिए गए इस फैसले से जिन छात्रों का कैरियर खराब हुआ है, क्या सरकार उसका उन्हें मुआवजा देगी? सरकार ने हिमाचल की युवा के भविष्य के साथ बेईमानी की है। उन्होंने कहा कि इस मामले को कैबिनेट में लाने वाले अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। वहीं इस मामले से जुड़े कैबिनेट के नोट और कैबिनेट के एजेंडे को भी सामने लाया जाए। जीएस वाली ने सरकार पर धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने बिना लीगल राय लिए ये फैसला कैसे लिया, इस मामले की जाँच होनी चाहिए। सरकार ने जिन लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए कैबिनेट में ये फैसला लिया है, उन्होंने कहा कि सरकार के लिए शर्म की बात है कि हिमाचल में लोगों को रोजगार न मिलने से उनको बाहर जाना पड़ा है। उन लोगों ने प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट किया है। बच्चों का जिनको एडमिशन मिल गई है उनका, या जिनको नहीं मिली है उनका, जो कैरियर खराब होगा उसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी? क्या उनको सरकार उनके कैरियर के लिए कंपनसेट करेगी? उनके पेरेंट्स को या उनके नजदीकियों को या बच्चों को जो ट्रोमा हुआ होगा उसको कंपनसेट करेगी? तो ये एक राजनीतिक नहीं मॉरल बेईमानी भी जो है वो हिमाचल की जनता, हिमाचल के युवा, हिमाचल का भविष्य उन बच्चों के साथ सरकार ने की है। एंड दे ओज द एक्सप्लेनेशन टू द पीपल ऑफ द कंट्री एज वेल एज द स्टेट। तो हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट जो है इसमें एकदम शक के घेरे में आती है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग शक के घेरे में आती है। सरकार स्पष्टीकरण दे जल्दी से जल्दी, उसके बाद हम अपना जो है अगला कोर्स ऑफ एक्शन जो है हम बताएंगे कि हमारा अगला कोर्स ऑफ एक्शन इसके ऊपर क्या होगा। तो अगर आप लोग इसके ऊपर कोई पूछना चाहते हैं तो यू कैन, क्योंकि आज मैं आई विल कीप माई सेल्फ ओनली टू दिस पॉइंट। कल जी आइए सारे, सर ऐसे पूछा तो हाँ, ऐसे कितने बच्चे आपने सिग्नल में है कि जो बाहर जिनके पेरेंट नौकरी कर रहे थे? ये टोटल जो बच्चे फैक्ट हुए हैं वो शायद 5-6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें मिलाकर के 20-25 बच्चे जो है, 25-30 बच्चे जो है वो अफेक्ट हुए जो मेरी नॉल में। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग व्हाइट पेपर, सो आई मस्ट नो अफेक्ट जो वो अलग बात है। अब मान लीजिए कि आपको बाहर निकाल दिया और फायदा मुझे हो गया तो मेरा बच्चा एंटर हो गया, वो घातक चीज है। लूजर तो आप हैं, गेनर जो है वो सत्ता में जो है वो होगा। अब कौन गेनर है ये सरकार बताए, और उनकी लिस्ट है बच्चों की जो आए हैं। देखिए सिस्टम क्या है कि या तो आप मेडिकल कॉलेज 2-3 की फंक्शनिंग कर दी, सीटें हो गई, तो जो बच्चे नहीं आने थे वो बच्चे सीटें बढ़ गई इसके लिए आ गए, जो फिर भी नहीं आने